मणिपुर में हो रही हिंसक घटनाओं के चलते भारतीय जनता पार्टी प्रणीत राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जनता की सुरक्षा पर सवाल या निशान उत्पन्न हो रहा है, जिसके चलते इस घटना के निषेध में नागपुर जिला विद्यार्थी कांग्रेस की ओर से नागपुर स्थित जीरो माइल पर बीजेपी से बेटी बचाओ इस नारे के साथ आंदोलन किया गया। मणिपुर राज्य के चुरंदरपुर जिले में हो रहे हिंसाचार के चलते पूरे देश की सियासत गर्मा गई है। इस हिंसा के दौरान महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवालिया निशान पैदा हो रहा है। ऐसी असंतोष प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी से बेटी बचाओ साथ ही साथ बीजेपी विरोधी नारे देते हुए नागपुर जिला विद्यार्थी कांग्रेस द्वारा अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे की अगुवाई में आंदोलन किया गया। इस समय एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव रोशन लाल बिट्टू ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। जब जब देश में दुशासन जैसे लोगों का शासन रहा है तब तब महिलाओं पे अत्याचार हुआ है और प्रत्येक बार आपने देखा है कि ये जो भारत की जो संस्कृति है उस संस्कृति के खिलाफ जो मणिपुर में अत्याचार हो रहे हैं उस पर एक शर्मनाक स्थिति है कि भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस स्थितियों का कोई भी मन में उनके दुख और शोभ नहीं है। उनको केवल चिंता है तो केवल चुनाव का चिंता है। आपने देखा होगा कि उनको चिंतित होने का कारण कर्नाटक इलेक्शन का चुनाव है, छत्तीसगढ़ में विजिट कर रहे हैं, लेकिन आज तक वह व्यक्ति इतने महीनों से जो अपने देश के आंतरिक भाग में मणिपुर में ये दुर्दैव घटना चल रही है उनको समय नहीं है वहाँ के पीड़ित लोगों से मिलने में। जब आपने देखा होगा कि हम सभी के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जब मणिपुर को विजिट किए तो वहाँ पे उनके काफिले पे सरकार प्रायोजित हमला किया गया, उन पे गोलीबारी की गई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को अभी भी थोड़ा सा भी उनके कान में जू नहीं है कि देश का एक समाज जो कि ये केवल नारी पे हमला नहीं है बल्कि भारत के अस्तित्व पे हमला है। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेम्बरे की रिपोर्ट।